रखी गई है और आप सभी लोगों को यह जानकारी भी होगी कि राष्ट्रीय सोची समाज पार्टी में जिला अध्यक्ष पद के लिए जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभारी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने श्री विजय मौर्य जी को दे रखी है और विजय मौर्य जी हमारे बीच में उपस्थित है, किसी कारण से अभी बाहर गए हैं शहर में, अभी आपके बीच में वो भी उपस्थित होंगे। गठन का कार्य मेरी समझ से तभी शुरू किया जाए जब पट्टी और रामपुर के भी साथी आ जाए, सभी के उपस्थिति में गठन का कार्यक्रम शुरू किया जाए। औपचारिक रूप से मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सोची समाज पार्टी के जो संगठन का ढांचा है वो किस प्रकार है। आप सभी लोगों को उस संगठन के ढांचे के विषय में भी जानकारी हो, इसलिए मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ सभी साथियों का। माननीय कांतिलाल साहब ने कहा था कि मुझे सौ की भीड़ नहीं चाहिए, अर्थात भीड़ नहीं चाहिए मिशन पे काम करने के लिए। अगर दस जिम्मेवार और जागरूक साथी मिल जाए तो वही दस लोग ही मिल करके इस समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने का काम करेंगे, ऐसा मानव साहब का भी कहना था। आज यहाँ जो भी उपस्थिति है, मैं पूरी तरह से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हालांकि इस बैठक को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की गई है और ऐसे लोगों ने कोशिश किया है जो सत्ता में रहते हुए आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य से पूरा का पूरा फायदा लिया और लाभ लिया, समझाने का प्रयास किया। लेकिन जब इससे लगाम नहीं लगी, कुलदेव मंत्री जी को भी ये कहा जाने लगा कि आप किसी महापुरुष की जयंती में नहीं जाएंगे, आप किसी समाज के अध्यक्ष का नया अत्याचार होता है आप वहां भी नहीं जाएंगे, और यहां तक उनका निर्देश हो गया था कि आप अपने विधानसभा के प्रणवा भी नहीं जाएंगे। तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि माननीय अध्यक्ष जी, मैं शून्य से चल करके आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, मैं कांग्रेस समाज का एक सिपाही हूं, मैं कभी किसी का गुलाम नहीं रहा हूं, इसलिए मैं गुलामी हमें बर्दाश्त नहीं है और बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके जो है वो आगे का रास्ता तय करने का काम किए। पार्टी को मजबूत करने का धारा पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तैयार किया और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान को व्यक्तिगत बयान कह करके अपमानित किया जाने करने का काम किया समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने। इस बात से क्षुब्ध होकर के माननीय मंत्री ने कहा, एक राष्ट्रीय महासचिव मैं हूँ, अगर मैं कुछ बोलता हूँ जिससे समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, वह वर्ग जो समाजवादी पार्टी का नाम सुनना नहीं चाहता था, आज वो समाजवादी पार्टी के चले आ रहा है। आज जो है मेरी बनाई हुई भूमिका पर समाजवादी पार्टी को लाभ मिल रहा है और मेरे बयान को निजी बयान कर करके मुझे अपमानित किया जा रहा है, और दूसरा एक राष्ट्रीय महासचिव अगर कुछ बोल देता है तो उसको पार्टी का बयान मान लिया जाता है। तो यहाँ भी दोगली नीति है। की ओर से जिला उपाध्यक्ष आपको जिम्मेवारी दी जाए, काम करने में समय देने में जैसे पहले हमेशा चलते थे मेरी समाज से, अभी वही रफ्तार आपकी है, कम नहीं हुई है, इसलिए कि जहाँ जरूरत होती है वहाँ आपका चेहरा दिख जाता है, आपको अनुपस्थित। अगर अशोक जी को जिम्मेदारी दी जाए तो विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए ना, हमारे बीच में राहुल विलास जी है, आपको कहाँ पे कैसे समझूत करेंगे? पुराने साथी हमारे, लेकिन पारिवारिक नीति के कारण जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं ललित भाई मिश्रा। नहीं नहीं, इसलिए मैंने पहले समय बोल दिया ना कि पारिवारिक की जिम्मेदारी है, समय नहीं। तो अब एक जिला सचिव रहेंगे, वो बाद में तय किया जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए। और भारत देश का संविधान
सीखने वाले बहुत सारे सवाल दिखाओ के तरीके चरणों में सिद्धांत समाप्त करता हूँ। आज राज्य शोषित समाज पार्टी की जिला कमेटी प्रधान के इस गठन में आए हुए सभी प्रत्याशी नेताओं को सादर प्रणाम करते हुए सामने बैठे बड़े बुजुर्गों को चरणों में चरण स्पर्श करते हुए अपने साथियों को सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय श्री आर के भैया का बहुत बहुत आभार धन्यवाद, इनका कुशल नेतृत्व कई जिलों में प्रदेशों में रहा है। ये सौभाग्य हमारा कि आप सरकार दर्शन प्रदान करने पर जिला कमेटी के नेतृत्व मिल रहा है। बहुत कुछ ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ एक बात कहनी है कि उस शख्सियत ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया है जिनके नाम को जानने के लिए या बताने के लिए शायद किसी को मेहनत नहीं करनी है, हमें मेहनत करनी है तो उनके विचारों को बताने की, उनके संघर्षों को बताने की, और सबसे ज्यादा अगर हमें गठन के समय और बीच में जब जनता के बीच में जा करके हम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के साथ क्यों जुड़े इसके लिए बताने की जरूरत है। तो सिर्फ एक बात बतानी है, चीजें बता दिए हैं कि आदि भैया ने बताया कि हम पार्टियों को पैसे छोड़े कैसे नहीं, वो विषय माननीय मंत्री जी के विचारों को सभी लोग लगभग जान रहे हैं। लेकिन आज की डेट में अगर जो वर्तमान में अभी लोकसभा चुनाव उस समय पहले पूरा हुआ है उसमें जो एक नई क्रांति कराने वाले और भारतीय जनता पार्टी की चूली हिला देने वाले माननीय स्वयं प्रसाद मौर्य जी ने जो अभियान छेड़ा था 85 और 15 का और समानता का अधिकार जो नहीं देगा हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, जो हमको सम्मान देगा हम उसका सम्मान करेंगे, हमारा हक अधिकार जो लूटेगा हम कतई उसके साथ नहीं खड़े होंगे। यही हमारे राज्य के लोगों को अपने लोगों को समझाने और बता करके अपनी पार्टी से जोड़ने की जरूरत है। और ज्यादा इसलिए नहीं कहा जा सकता है लेकिन इतना कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के जो पार्टी के संस्थापक के परिवार के सदस्य थे उनको जब ये लगा कि आप माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में अपने इस अभियान से कहीं ना कहीं हमारी चूड़े हिला रहा है तो उस पर एक खड़े रस्ते हुए जो ये अभियान भैया जी ने बताया एक राष्ट्रीय महासचिव कोई बयान देता है तो उसका नहीं बयान होता है और एक राष्ट्रीय महासचिव जब घर का बयान देता है तो पार्टी का बयान होता है। और माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जो लोग आज समाजवादी पार्टी को ठोकरा करके आरएसएस के एजेंट के रूप में आपके साथ यहाँ बैठे हैं, माननीय राष्ट्रपति जी अगर कहना किसी ने सिखाया है तो वो माननीय स्वयं प्रसाद मौर्य जी है। इससे बड़ा सम्मान हमको कुछ नहीं चाहिए। जो बुराई करके कहते थे बुरैया करके बुलाते थे आज उनकी हिम्मत नहीं होती है कि हमको सम्मान से मौर्य जी कहे तो उनको पता है कि आज यही जवाब देने लायक हो गया है। बहुत बहुत आभार। मैं अपने जिला अध्यक्ष और यहां पर उपस्थित माननीय मंत्री जी का कार्यभार देख रहे ऊंचाहार विधानसभा के प्रभारी हैं एक तरीके से और अपने गरीबपुर के निवासी श्री दिलीप मौर्य और जिला अध्यक्ष से चाहूंगा कि एक साथी माला लेकर के उस तरफ एक साथी माला लेकर के इस तरफ पदाधिकारी साथियों को माला पहना करके स्वागत करेंगे और ये माला जो है हमारे पदाधिकारियों के लिए जिम्मेवारी की माला है कि आप ये शपथ ले रहे हैं कि हम बहुजन समाज के इतिहास को आगे बढ़ाने वाले नेता परम हमारे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कार्यवाह को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। इस बात की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो रही है। स्वागत और माला अर्पण के तहत साथ ही एक एक करके क्रम से माला पहनाते जाए। अध्यक्ष जी आगे आ जाइए। हमारे जिला जिला प्रभारी आ जाए जल्दी आ जाए आप लोग। मनोज जी आप आ जाए मंच पे आ जाए। संजय जी आप भी आ जाए। संजय जी आप भी आ जाए मंच पे। मिशन को आगे बढ़ाने के लिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सहयोग देने
शुभकामनाएं। आप सभी साथी अपना अवधान ले सकते हैं और अभी कोई साथी जाएगा नहीं, नाश्ता